हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा। सबसे पहले मैं एकेडमी के बारे में बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट एकेडमी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर। आप जहां एडमिशन कर रहे हो वो सही डिसीजन आपका, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी ज्यादातर रिजल्ट इतना प्रॉम्प्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एक बार आप यहां आए तो डेफिनेटली 10 या 12 बच्चे डेफिनेटली आप बताओगे कम से कम एडमिशन करना है तो डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा में करना है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी फैकल्टीज है। सेकंड थिंग, अभी मेरा एक एजुकेशन, मेरा नाम, मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। मैं प्रशांत महालकर सर, मेरा एजुकेशन MSc फिजिक्स BEd। सेकंड मेरा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस है शिवाजी सीनियर कॉलेज अकोला 2 साल के लिए। सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा चार्टर कोचिंग क्लासेस अकोला 2 साल का। उसके बाद भंडारा का एक इंस्टीट्यूट नानाजी जोशी जूनियर कॉलेज, जहां मेरा एक्सपीरियंस है 14 साल का। उसके बाद साइंस एकेडमी भंडारा, जहां 4 साल का एक्सपीरियंस है। ये इतना वर्क होने के बाद, 21 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा यहां करने का काम, क्योंकि एक अच्छा बेस्ट इंस्टीट्यूट जा करने के लिए मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट मेरा है फिजिक्स, जो आपको पढ़ाना है, इतना सिंपल सब्जेक्ट है, बट अपन रॉन्ग मेथड से जाने के कारण सब्जेक्ट डिफिकल्ट बन रहा है। कारण क्या होता है, सीधा चलो तो चलने में बहुत आसानी बनती है, वही उल्टा चलो चलने में डिफिकल्टीज होती है। आसान करना है सब्जेक्ट, तो देखो फिजिक्स के बारे में सिंपल बात होता हूं। पहले फिजिक्स के जीटेक्स में जितने टॉपिक्स है, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, फिजिक्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अपन अलग अलग पार्ट्स के बारे में सोचते। देखो मैं सिंपल बात बता रहा हूं, मेडिकल स्ट्रीम में अपने को एडमिशन करना है तो हर डॉक्टर पूरे बॉडी का स्टडी नहीं कर सकते बेटा। अपना स्टडी करना है तो हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, आई स्पेशलिस्ट अलग होता है, न्यूरो सर्जन ब्रेन वाला अलग होता है, बर्ड का फ्रैक्चर एक्सीडेंट वाला अलग होता है, गायनिक अलग होता है, पेडियाट्रिक अलग होता है। अब हर डॉक्टर MBBS करने के बाद भी परफेक्ट होता नहीं, इसीलिए फिजिक्स को पढ़ते समय सबसे पहले जैसे MBBS बोलो तो सिंपल कॉमन अपने को MBBS करना है, बट उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना है तो अपने को एक एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। वैसे फिजिक्स की बात है, फिजिक्स के अलग अलग पार्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, मैकेनिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट को अपने को परफेक्ट करना है, अपन पढ़ते समय अभी तक के अलग अलग मेथड से गए हैं। अपन एक साथ खाना खाते तो अपने को खाना पसंद नहीं होता बेटा। देखो सिंपल बात है, खाना मिला उसमें सब्जी, चावल, रोटी, दाल सब कुछ आया, अपने को खाना पसंद है तो अपन कैसे खाएंगे, कैसा भी खाए तो गलत होगा। देखो रोटी के साथ सब्जी खाए, रोटी के साथ दाल खाए तो चलेगा, चावल के साथ दाल खाए, चावल के साथ सब्जी खाए तो चलेगा, बट कुछ अलग मेथड से खाए तो खा ही नहीं पाएंगे। जैसे सब्जी के साथ दाल मिला लो खा लो, कोई खा नहीं पाएगा, खाना उतना ही है, बट प्रॉपर मेथड से खाएंगे। सब्जेक्ट इसी तरीके से आसान होता है, फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान सुबह से शाम तक स्टार्ट होता है फिजिक्स से। सिंपल बात, एक सिंपल एग्जाम्पल बता दो, अपन अपने शूज पहनते हैं उसमें ग्रिप होती है, काहे के लिए होती ग्रिप, क्योंकि अपन दैट मेक्स फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस के बारे में पता होता नहीं वो टेक्निकल्स को तो फ्रिक्शंस के बारे में वो शूज नहीं बन पाता, बराबर। मेडिकल साइंसेस में फिजिक्स का क्या रोल होता है, क्यों नीट एग्जाम में फिजिक्स लगा हुआ है। यदि डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को इंजेक्शन देना है तो कितना ML देना, ML मिलीलीटर, यदि उसको मालूम नहीं, डॉक्टर्स को मिलीलीटर मालूम नहीं तो इंजेक्शन कम ज्यादा हो गया तो पेशेंट का क्या होगा। बट इसीलिए मेडिकल के हर स्ट्रीम में
आज कंप्यूटर्स में ब्रेन का स्कैनिंग होता है, यदि उसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं होता तो स्कैन नहीं कर पाता। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी स्ट्रीम में जाओ, मेडिकल की बात किया मैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाओ, यदि अपने को इंजीनियर बनना है, एक बिल्डिंग बनाना है, सपोज सिविल इंजीनियर की बात करते हैं, एक बिल्डिंग बनाना है, उसको एक रूम बनाना है, उसको 10x10 फीट का रूम बनाना है, और उसको 10 फीट ही नहीं मालूम और 10x10 ही मालूम, हाइट कितना रखना नहीं मालूम, तो नहीं बना सकता था। फिजिक्स इतना सब्जेक्ट है, मेडिकल स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का एक और इंपॉर्टेंट, जहां आप एडमिशन के लिए बहुत तरसते हो, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर के लिए, वहां फिजिक्स का आप यहां एडमिशन होने के बाद जब आप एक अच्छे ऑफिसर्स बनने की कोशिश करते हो तो फिजिक्स का क्या रोल होता है ये आपके बारे में बताऊं। सपोज आपको एक मिसाइल सेंड करना है, कितने एंगल से कहां तक भेजना है, उसको कितना एंगल देना है, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत जरूरत होती है। कितने एंगल से भेजना है, कितनी रेंज होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होना चाहिए, उसकी हाइट क्या होना चाहिए, कितने प्रोजेक्शन में भेजना चाहिए, वो मिसाइल में कितनी एनर्जी से मतलब फ्यूल कितना भरना है, ये कब बताएगा आपको फिजिक्स का। फिजिक्स की जरूरत आपको हर फील्ड में रहेगी, वो इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, सर्विसेस हो, डिफेंस सर्विसेस हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, आपका पीछा कहीं छूटने वाला नहीं है। बट ये सब्जेक्ट इतना आसान है, अब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सब्जेक्ट को डिफिकल्ट अपन अपनी तरीके से करते हैं। अब सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है और कितना आसान हो सकता है, एक 2-3 एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा दूं। ये देखो सिंपल बात है, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद कहीं इंट्रोड्यूस देते हो तो इंट्रोड्यूस में आपको सपोज इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंट्रोड्यूशन करने वाले वो आपकी पहचान करना चाहते हैं। सपोज एक एग्जांपल बताऊं कि आपके इंट्रोडक्शन में आपको पूछा गया कि व्हाट्स योर वेट, अपने दिमाग में आता है अभी तक के कि मेरा वेट कितना है। सपोज एग्जाम्पल कि आपका वेट आप बोलते हो 50 kg, बट एक गलत आंसर होता है। एक्चुअली आपका वेट 50 kg नहीं होता, आप जो बता रहे, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन ये था आपका वेट क्या है, आप बता रहे उनको आपका मास क्या है, क्योंकि अभी भी मास और वेट का डिफरेंस अपने को नहीं पता। एक्चुअली मास मीन्स द मैटर कंटेंट इन द बॉडी, ओके, और वो बताया जाता है केजी में। जैसे आपको पूछा गया होता कि आपका मास क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए था 50 kg, और आपको पूछा गया क्या था वेट क्या है, बट आपका वेट क्या है, तो वेट का पहले आप कंक्लूजन निकालो, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लो। वेट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी इज वेट ऑफ दैट बॉडी। सिंपल एक एग्जाम्पल बता, पेन कैप एंड पेन रिमेनिंग, मैं आपको ये पूछता हूं कि ये दो में से मास किसका ज्यादा हो, आप गलत आंसर बिल्कुल नहीं बताओगे, आप बताओगे कि इस पेन का मास ज्यादा है, कैप का मास कम है। सेकंडली मैं एक क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करता हूं, अलग तरीके से पूछता हूं कि डियर स्टूडेंट इन दोनों में से वेट किसका ज्यादा है, आप बोलोगे पेन का वेट ज्यादा है, कैप का वेट कम है। तो मैं तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मास यानी वेट क्या, इसका मास ज्यादा था, इसका वेट ज्यादा था, इसका मास कम था, वेट कम था, तो मास और वेट सेम है, नहीं, क्योंकि अभी तक हम कंफ्यूज थे कि मास और वेट क्या है। मैं आपको फिर से एक बार डिफिनेशन रिवाइज कर देता हूं, मैटर कंटेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ दैट बॉडी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। डिपेंडेंटली देखो, इसमें मैटर ज्यादा बना हुआ है इसीलिए इसका मास ज्यादा है, इसमें मैटर कम है इसीलिए इसका मास कम है। अब वेट के बारे में बोले तो मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। अब सिंपल बात है, दोनों बॉडी को मैं छोड़ दूं तो आएगा कहां, नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी मतलब दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बट ये जब दोनों नीचे आके टकराएंगे तो बताओ स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, किस ज्यादा स्ट्राइक होगा, डेफिनेटली ए, इसलिए इसका वेट। तो वेट अलग है, मास अलग है, मास मेजर किया जाता है केजी में और वेट का यूनिट होना चाहिए न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए आपको यदि इंटरव्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट्स योर वेट, आपका मास 50 kg है, उसको जी
9.8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको पूछा गया आपका वेट कितना है, तो आप सिंपल जो आपका इंट्रोडक्शन लेता है उसको उसको ही कंफ्यूज कर देना है. व्हाट्स योर वेट? माय वेट इज 50 × 9.8. सर यू हैव टू कैलकुलेट एंड राइट व्हाट द आंसर. यू हैव टू राइट द यूनिट न्यूटन. कैलकुलेशन का खर्च हो जाना. इस तरह के सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं. इसी तरीके से फिजिक्स में बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं. सब्जेक्ट बहुत आसान है. डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 साल अंडर में पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि फिजिक्स कितना आसान था अभी तक. 8, 9, 10th में अपन जो पढ़े हैं और कितना आसान होगा. आज मेरे 4 स्टूडेंट बीआरसी में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कम से कम 60 स्टूडेंट्स डॉक्टर एमबीबीएस हो चुके हैं. कम से कम 100 स्टूडेंट, कम से कम पूरे नाम तो नहीं मालूम भी, कम से कम 100 स्टूडेंट जो जेडब्ल्यू के एग्जाम पास होकर बाहर निकल गए हैं. ये सब्जेक्ट इतना आसान है कि आप 2 साल में मेरे पास जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा सेमी अपन बहुत लेट हो गए फिजिक्स पढ़ने के लिए. फिजिक्स बहुत आसान है. फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने एडमिशन किया है डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा में. 2 साल की जर्नी डेफिनेटली आप स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी रहेगी. कॉन्फिडेंटली आप ये 2 साल बहुत अच्छे तरीके से निकलोगे और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बनूंगा ही. और फिजिक्स के बारे में बोलूंगा, आधी रात को कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला कब कैसे भी आता है, कितना आसान लगेगा आपको पता ही चल जाएगा. बेस्ट ऑफ लक अगेन. थैंक यू.